तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और रिफ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि 2021 या 2022 में लॉन्च होने वाले हैं, और उनके कुछ लीक्स एंड न्यूज़ आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए सारी ही लीक्स एंड न्यूज़ जानने के लिए। तो बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली बाइक की, जिसका नाम है KTM RC मॉडल। जो जितने भी KTM RC मॉडल है उनको चेंज कर दिया जाएगा, और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है नई RC जो कि लॉन्च होगा 2022 में। तो अगर एग्जैक्ट लॉन्च डेट की बात करें तो ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2022 के सेकेंड या थर्ड वीक में जो है लॉन्च हो जाएगा। तो बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें वही सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि ड्यूक 390 में आपको देखने को मिलता है। तो मैं तो इस बाइक के लिए एक्साइटेड हूँ। आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बाइक की। तो ये कोई बाइक नहीं है, एक स्कूटर है और इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आता है ओला कंपनी की तरफ से। तो ये भी कुछ ही दिनों बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्कूटर है गाइस, ये 10 सितंबर को जो है बुकिंग के लिए आई थी, लेकिन ये जिस दिन जो है आई थी तब पूरा का पूरा सिस्टम ही दोस्तों क्रैश हो गया था और बुकिंग्स नहीं हो पाई थी। तो ये कुछ लीक्ड वीडियोस है जो आप देख सकते हैं। तो स्कूटर की बात करें तो ये दो वेरिएंट्स में आएगा, जो कि एक होगा इसका बेस मॉडल और एक होगा इसका जो थोड़ा एडवांस मॉडल है वो। तो दोनों का जो प्राइस है वो अलग होगा, दोनों के जो फीचर्स है वो अलग होंगे, और दोनों की जो डिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी अलग होगा। जो इसका बेस मॉडल होगा उसमें आपको शायद से 100 किलोमीटर्स तक का जो डिस्टेंस कैपेसिटी है वो मिलेगा, और जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कैपेसिटी मिलेगा, लगभग 150 किलोमीटर जितना। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें जो आपको पावर है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी, और फीचर्स तो इसमें फुल्ली जो लोडेड की हुई है। तो फीचर्स वाइज इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छी फीचर्स इस बाइक में आपको दी गई है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बाइक की, जिसका नाम है R15M जो कि आती है यामाहा कंपनी की तरफ से। तो ये भी जो गाइस बाइक है इसमें अभी आपको दो मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एक होगा इसका बेस मॉडल और दूसरा होगा इसका M मॉडल। इन दोनों ही बाइकों के गाइस लुक्स में आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फीचर्स वाइज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च की, तो इस बाइक के लॉन्च को लेकर मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको मैंने फुल एक डेट दे दिया है जिसमें आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च की, तो ये भी दोस्तों सितंबर में लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको इतना बता देता हूँ। तो बात करते हैं जो इसका फीचर्स है उसके बारे में, तो फीचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें भी मैंने दोस्तों अलग सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की, तो जो इसका M मॉडल है वो आपको ऑन रोड पड़ेगा लगभग 2,15,000 से लेके 2,20,000 तक, और जो इसका बेस मॉडल है वो आपको 1,75,000 के आसपास में ऑन रोड मिलेगा।